उसको चिंता ही नहीं करना चाहिए। जो होना होगा होगा, सब अच्छा ही होगा। अपन जो सोच रहे हैं ना वैसा नहीं होगा, उससे अच्छा होगा। सारी चिंता ही खत्म हो जाती है। हमने बात किया है उसकी क्या कुछ चिंता, आप वही तो चिंता कर रहे हो, वो काय के लिए कर रहे हो। हाँ, अपने बात सब अच्छा होने वाला है। अपने को जो करना था वो अपन ने नहीं किया, अपन ने जो करना था वो नहीं किया, इसलिए सब विपरीत है। पर अपन नहीं रहेंगे तब सब अच्छा हो जाए। तो अपने बाद वाली चिंता तो करनी नहीं चाहिए। कल कौन कह रहा था उनके परिवार में अग्निहोत्र नहीं होता, और मैं चाहता था एक आदमी तो भी जुड़ जाए, पर बॉस कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। क्या करना चाहिए, आप अपना करो, क्या करना है, उनका भाग्य उनके साथ है। उनको जब जैसा इंटरेस्ट लेना होगा वो लेंगे, जब लेंगे तब लेंगे। आप उनके, आप अपना आज का दिन क्यों खराब कर रहे हैं उनकी चिंता करके। वो अपना अलग क्या है, उनको जब समझ में आएगा तब करेंगे। आप अपना करो, अपना आनंद से रहो। तो अपने बात तो सब अच्छा ही होने वाला है। परमानंद नारंग जो थे ना, उनको ये था कि मेरे बाद अग्निहोत्र नहीं हो पाएगा, घर में कौन करेगा। सही में उनके बेटे ने तो किया नहीं। फिर उस समय में एक बार वो आए और बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे, तो पोता था साथ में और 14-15 साल का था। तो उनकी चिंता देख के वो बोला कि दादाजी आप चिंता मत करो, मैं करूँगा। ऐसा उसने बोला कि उनको तात्कालिक राहत तो मिल गई, वो जो चिंता थी मरते समय में नहीं थी, क्योंकि पोते ने आश्वस्त कर दिया था। एक साल किया उसने, वो छोटा ही था, उसको घर में किसी की मदद मिली नहीं। एक साल भर हुआ और बंद हो गया। उसके बाद उनके बेटे ने तो किया ही नहीं, सवेरे उठते नहीं बनता था। तो परमानंद जी को गए 20-22 साल हो गए, उनके घर में अग्निहोत्र नहीं है। पर वातावरण का प्रभाव ये रहता है कि आज उसके मन में फिर आ रहा है कि मुझे शुरू करना है। हाँ, बिना किसी के कहे मैंने सिर्फ उसको कहा कि तुम्हारे मन में आ रहा है, अब ऐसे बैठे रहोगे तो 2 साल निकल जाएंगे, 4 साल निकल जाएंगे, इसलिए आ रहा है तो कर डालो। पर अभी किया नहीं है, और साल 2 साल 4 साल लगा के करेगा, पर आएगा तो जो होगा वो अच्छा ही होगा ना। तो चिंता किस बात की, अपन अपना कर लें, अपनी चिंता कर लें। अपनी सामर्थ्य इससे ज़्यादा की नहीं है, अपनी सामर्थ्य इतनी है कि अपन अपनी ही कर लें तो बहुत है। बाहर वालों की काय को करनी है। हम संस्कार की बात करते हैं, तो जब अग्निहोत्र होता है घर में तो संस्कार तो अपने आप मिलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उदित होंगे जब उसके जीवन में होना होंगे। उसका भाग्योदय जब होना होगा तब होगा, वो किसी का तत्काल होगा तो किसी का 25 साल बाद होगा। तो उसका जो भी समय होगा तभी होगा। आप कब तक चिंता करते रहो, इसका कोई मतलब थोड़ी। आपने एक बार बताया था कि हो सकता है उसका कटोरा आपके कटोरे से बड़ा हो। हाँ, और जो आपने हासिल किया उससे ज़्यादा वो हासिल कर लो। जिसके लिए आप आज वर्तमान में चिंतित हो रहे हैं, तो इसलिए आप भी आराम से रहो, चिंता मत करो कि संस्कार कहाँ जा रहे हैं और बच्चों को संस्कार नहीं है, पढ़ाई क्या हो रही है। काय को फालतू की चिंता पाले हुए हो। इतनी सारी चिंताएं, अपना जीवन आनंद से जियो और सब चिंताओं से मुक्त हो के, क्योंकि आज करने की स्थिति में तो है नहीं कि चलो शिक्षा प्रणाली खराब है तो नया स्कूल डालो, कॉलेज डालो, नई प्रणाली लाओ। ये आज हम नहीं कर सकते, तो फिर चिंता काय के लिए करना है। होंगे ऐसे जो हमारे तरफ की विचारधारा वाले, वो लाएंगे वो सारा कुछ, करेंगे सब। आज का जीवन तो अपन अपना अग्निहोत्र करो और आनंद से रहो, जो आपने कहा ना इसके साथ। आनंद वहीं पे है। आनंद यहीं पे है।